कलरफुल सेट्स तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग इस बार मैं लेके आई हूँ जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे थे लेडीज़ टॉप बनाने के लिए गर्ल्स टॉप बनाने के लिए सो so, मैंने बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बनाया हुआ है जिसमें मैंने येलो कलर और एंड वाइट कलर को यूज़ किया है बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है बनने के बाद बहुत सुंदर भी लग रहा है और ये जो वूल है बहुत ही फाइन क्वालिटी की वूल होती है सो so, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाए तो ऊन अच्छी से अच्छी क्वालिटी के ले जिससे कि चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फाइन बन के रेडी हो सो so, ये मैंने कॉम्बिनेसन लगाया है इसमें येलो एंड व्हाइट का थ्री प्लाई की वूल है ओसवाल माइक्रो वूल बोलते हैं इसे और इस वूल के साथ मैंने 3.5 पॉइंट mm फाइव की क्रोशिया हुक से लगाया हुआ लगाया है इसमें सो so फ्रेंड्स मैंने एक एक चीज़ बताई है कि कैसे आप इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं यहाँ भी मैं ब्रीफ़ में बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि कैसे आप इसे बड़ा छोटा बना सकते हैं सो so मैंने जो साइज बनाया है टॉप का वो लार्ज साइज में बनाया हुआ है मैंने 3.5 पॉइंट mm फाइव एम से बनाया है बट अगर आप थ्री mm के क्रोशिया हुक से बनाते हैं तो एक साइज छोटा बन के रेडी होगा सो so, अगर आप 8 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो सेम साइज बनेगा अगर आप नौ या दस नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो आपका मीडियम साइज बन के रेडी होगा इसके अलावा अगर आप स्मॉल साइज में बनाना चाहते हैं या 15 से 16 साल की लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो स्मॉल साइज बनाने के लिए आपको इसमें Uh, मैंने पांच पांच पैटर्न आगे रखे हैं और सॉरी दस दस पैटर्न मैंने आगे की साइड में रखे हैं और पांच पांच इसमें मैंने आम uh, मुड्ढे पर रखे हैं तो आपको चार चार पैटर्न आगे करने हैं और पांच पांच ही पैटर्न आपको इसमें uh, इसमें करने हैं आपके मुड्डों में यानी स्लीव्स में तो आगे और पीछे के पैटर्न्स आपको कम कर देंगे तो आपका सोल स्मॉल साइज बनके रेडी होगा स्मॉल साइज आप 3.5 पॉइंट mm फाइव के क्रोशा हुक से बनाए और उससे छोटा साइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चार चार आठ आठ पैटर्न आगे और पीछे करके आप इसमें आ, बना सकते हैं आ, आ, एक नंबर कम यानि थ्री एम एम की हुक से तो सॉरी सर मैंने शायद आगे चार चार बोल दिया है तो चार चार नहीं छोटा साइज बनाने के लिए आपको आठ पैटर्न आगे रखने हैं आठ पैटर्न पीछे रखने हैं क्योंकि मैंने दस दस पैटर्न पे बनाया हुआ है सो तो बस इसका ही आपको ध्यान देना है बाकी मल्टीपल्स वगैरह कैसे लेने हैं वो मैंने आगे बताया हुआ है बहुत डिटेल में मैं इसे पूरा डिस्क्राइब करूंगी ये है वीडियो का पार्ट वन पार्ट टू में आपको इसके आगे का सेक्शन मिलेगा तो आप पहले पार्ट वन तक बना लीजिए इतना मैंने बना दिया है कि आप दो तीन दिन में उसे बना लेंगे सो so, चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड फ्रेंड्स अगर प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आपने से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो यार सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये खूबसूरत सा टॉप यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है थ्री प्लाई की वूल और साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ थ्री पॉइंट फाइव एम एम का क्रोशिया हुक सो so, अगर आप इसे आठ नंबर के क्रोशिया हुक से बनाते हैं तो आपको भी सेम साइज बन के रेडी होगा आप चेन जो आपको इसमें डालनी है वो चार के मल्टीपल में डालनी है प्लस आपको इसमें ये चीज़ डिवाइड कर लेनी है कि आपको आगे कितना रखना है पीछे कितना रखना है और आ, आम होल के साइड मीन्स मुड्ढों में कितना रखना है तो चार के मल्टीपल में मैंने आगे के साइड में इसमें दस रखे हैं तो चालीस हो गई पीछे के साइड का भी चालीस हो गया तो चालीस चालीस आगे और पीछे का हो गया जिसमें अस्सी चेन्स हो गई और मुड्ढों में मैंने पांच पांच पैटर्न रखे हैं तो उसके लिए बीस पीस हो गया तो टोटल uh, मैंने एक सौ बीस चेन इसमें ली है अगर आपको इसमें छोटा साइज चाहिए तो आप आगे के साइड में नौ पैटर्न पीछे के साइज में साइड में नौ पैटर्न और मुड्ढों में पांच पांच पैटर्न भी रख सकते हैं और छोटा चाहिए तो आप आगे पीछे आठ आठ, आठ और मुड्ढों में चार चार दे सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें मल्टीपल लेना होगा सो so, मैंने इसमें टोटल तीस पैटर्न लिए हैं आगे और पीछे में दस दस पैटर्न है और मुड्ढों में पांच पांच पैटर्न है तो टोटल तीस पैटर्न हो गए तीस का मल्टीपल अगर मैं चार चार के मल्टीपल में लूंगी तो थर्टी इंटू फोर आपका 120 चेन हो जाएंगी तो मैं इसमें टोटल 120 चेन बना के पहले रेडी करूंगी 120 चेन बना के जब आपका मल्टीपल पूरा हो जाए तो उसमें एक चेन और ऐड कर लेनी है जैसे मैंने 120 बनाई है तो एक चेन और ऐड करूंगी 121 सौ इक्कीस होंगी आपने 130 बनाई है तो एक और ऐड करके 131 चेन तो टोटल इतनी चेन में बना के इसमें रेडी करूंगी तो ये देखिए टोटल मैंने इसमें 121 चेन बना के रेडी कर ली है और अब इधर वाली जो चेन है पूरी चेन को सीधा आपको लेना है और इसकी एक रिंग बना लेनी है तो यहां मैं टॉप बनाने जा रही हूं सो so, मैं रिंग बना रही हूं बट अगर आपको इसे खुला भी बनाना है मीन्स आपको इसकी जैकेट या स्वेटर जैसा बनाना है तो भी आप इसे बना सकते हैं उसके लिए आपको इसे सिर्फ ऐड नहीं करना होगा मैं इसका टॉप बनाऊंगी तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लूँगी जो आपकी फर्स्ट नंबर वाली चेन है उसमें आपको डालना है और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेना है एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे तीन चेन के बाद जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है मीन्स जो दूसरी वाली चेन है पहली में तो आपने ऐड कर लिया है उसके बाद वाली जो चेन है उसमें डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है इसके बाद वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तो इस राउंड में कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको जितनी भी आपने डबल क्रोशिया बना रखी हैं उन सब में आपको एक एक सॉरी जितनी भी चेन बना रखी हैं उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना रेडी करना है अगर आपने 121 चेन बनाई है तो टोटल 121 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी वर्क एंड में क्या करना है आपको जहां से स्टार्ट किया है थर्ड नंबर चेन में अपने वर्क को ऐड कर देना है ओके अब यहां से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे एक दो तीन तीन चेन सेम जहां पे ऐड किया है उसी स्पेस से डालना है सॉरी तीन चेन बना के आ, ये हमारी एज अ डबल क्रोशिया हो गई और इसके बाद दो चेन और बनाएंगे एक और दो दो चेन बनाने के बाद जहां से स्टार्ट किया है उसी प्लेस पे ऐड कर देंगे तो ये बन के रेडी हुआ हमारा एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया मीन्स एक वी एक स्किप करेंगे और जो दूसरी वाली सेकंड वाली है पहली में बनाई है दूसरी स्किप करेंगे तीसरी वाली को इस तरह से नीचे से उठाना है एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है दूसरी स्किप करेंगे थर्ड वाली को ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे ऐसे उठा लेंगे उठाने के बाद यहां पे एक दो और तीन तीन बार में इसे ओवर कर देना है अगेन जहां बनाया है उसके बाद वाली स्किप करेंगे और उसके बाद वाली जो है एक एक स्किप करके बनाना है तो एक स्किप करके नेक्स्ट वन में बना लेनी है एक डबल क्रोशिया दो चेन सेम स्पेस से एक डबल क्रोशिया फिर से नेक्स्ट वन स्किप करेंगे उसके बाद वाली को नीचे की तरफ से उठाना है और बना लेनी है यहां पे एक ट्रिपल क्रोशिया तो एक लूप निकालेंगे पहले फिर दूसरा लूप निकालेंगे फिर तीसरा लूप निकालेंगे नेक्स्ट वन स्किप करेंगे उसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया दो चेन और सेम स्पेस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से उसके बाद वाली स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली में ट्रिपल क्रोशिया तो नीचे से हुक को उठाना है को उठा लूप को उठाना है सॉरी और इसे तीन बार में ओवर करना है एक दो और तीन अगेन नेक्स्ट वन को स्किप करेंगे और लास्ट उसके बाद बना लेंगे एक डबल क्रोशिया दो चेन और एक डबल क्रोशिया तो इस तरह से एक बार आपको वी बना के रेडी करना है और एक बार आपको जैसे मैंने उठाया है इसे इस तरह से उठाना है सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एंड पर आना है और एंड पे अगर आप यहाँ पे भी बना है तो सबसे एंड वाली ये वाली जो डबल क्रोशिया है उससे पहले वाली डबल क्रोशिया में आपका एक ये ट्रिपल क्रोशिया वाली लाइन बन के रेडी हो में मैंने सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है और अब आप देख सकते हैं लास्ट में मेरे पास जो ये सिंगल वाली ट्रिपल क्रोशिया है वही बची हुई है वर्क के एंड में यहाँ पे एक दो तीन जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें डालना है और अपने वर्क को स्लिप स्टिच से यहाँ पे ऐड कर लेना है एक स्लिप स्टिच बना के अगेन जो दो चेन का स्पेस है वहां पे आना है फिर से यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन बना लेनी है एज अ डबल क्रोशिया अगेन इसी दो चेन के स्पेस से डालेंगे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अब यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हो गई हैं दो चेन सेम स्पेस से डालना है और दो डबल क्रोशिया एक और दो दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया ये वाला जो सिंगल ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट है ये ऐसे ही बनेगा तो अगेन इसे नीचे की तरफ से उठाना है और यहां पे इसे तीन बार में ओवर करना है एक दो तीन फिर से जो दो चेन का स्पेस इस है इसमें डालना है और यहां आपको बना लेनी है दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया एक दो, दो डबल क्रोशिया दो चेन सेम स्पेस से दो डबल क्रोशिया फिर से ये जो सिंगल वाला है इसे नीचे की तरफ से उठाना है और तीन बार में ओवर करते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है तो इस बार आपको सेम ऐसे ही करना है हर वाल, आ, हर राउंड में मीन्स हर पैटर्न में जहां पे आ, दो डबल क्रोशिया दो चिन्ह और दो डबल क्रोशिया बनेगी जो सिंगल वाली ट्रिपल क्रोशिया है उसे सिंगल ही बनानी है सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ओवर करेंगे यहां मैं बता दूं आपको कि मेरे ये वाले जो पैटर्न बने हुए हैं ट्रायंगल वाले या फिर ये जो दो डबल क्रोशिया बनी हुई है ये मेरे टोटल 130 पैटर्न बने हुए हैं क्योंकि मैंने 10 आगे रखे हैं, 10 पीछे और पांच पांच बाजुओं में मीन्स स्लीव्स में रखने वाली हूँ तो टोटल 130 पैटर्न मेरे पास है तो आप बनाने के बाद एक बार जरूर गिन ले की आपके पैटर्न जितने भी आपने डिवाइड किए हैं वो पूरे प्रॉपर्ली बैठ रहे हैं उतने पूरे बने हुए हैं या नहीं पैटर्न आपका कुछ इस तरह से बन दिखेगा अब आपको इसके बाद क्या करना है सेम ही पैटर्न को एक बार और रिपीट करना है सिर्फ आपको इसमें डबल क्रोशिया बढ़ानी है अगेन जो थर्ड नंबर वाली चेन है यहाँ पे अपने वर्क को ऐड कर लेंगे सेकंड जो डबल क्रोशिया है उसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के एंड उसके बाद ये जो दो चेन का स्पेस है इसमें आएंगे ओके okay, तो बीच में आपकी इसमें डबल क्रोशिया बढ़ानी है एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे सेम इसी प्लेस पे आप दो की जगह तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो हो गई और ये तीन ओके तो तीन चेन पहली डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया और बनाई हमने दो चेन बनाएंगे सेम इसी स्पेस से डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया एक दो और तीन जो ये वाला लाइन जा रही है आपकी ट्रिपल क्रोशिया वाली ये एज इट इज सेम रहेगी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे तो इसमें तीन बार में इसे ओवर कर लेंगे अगेन दो चेन के स्पेस में डालेंगे और बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया तो इस तरह से हमें इसमें बना के रेडी करना है तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया सो तो ये हमारा राउंड नंबर यहां से जहां से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया है ये हमारा तीसरा राउंड है तो राउंड नंबर थ्री राउंड नंबर फोर और राउंड नंबर फाइव एक जैसे बनेगा जिसमें तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनानी है उसके बाद आपको राउंड नंबर सिक्स राउंड नंबर सेवन और राउंड नंबर एट बनाना है जिसमें बनेंगी चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार डबल क्रोशिया तो so, टोटल आपको इसमें राउंड नंबर एट तक बना के रेडी करना है हर तीन राउंड के बाद इसमें आ, हमें डबल क्रोशिया को बढ़ा लेना है राउंड नंबर थ्री फोर फाइव में तीन डबल क्रोशिया ही होगी जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ सेम वैसे बनेगा राउंड नंबर सिक्स सेवन एट में आपको चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार डबल क्रोशिया कर लेना है जोड़ना सेम वैसे ही है राउंड को स्लिप स्टिच बनाते हुए दो चेन के स्पेस में आना है ये भी सेम ही रहेगा सिर्फ आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है जहाँ आप तीन डबल क्रोशिया बना रहे थे उसके बाद आप चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये जो बीच में रो चल रही है लाइन चल रही है ट्रिपल क्रोशिया की ये एज इट इज सेम रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं होगा सिर्फ आपको डबल क्रोशिया बढ़ानी है तो थ्री फोर फाइव तीन डबल क्रोशिया के साथ और सिक्स सेवन एट चार डबल क्रोशिया के साथ बना के रेडी कर लेते हैं फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है देखिए जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही इसमें तीन राउंड तीन तीन डबल क्रोशिया और तीन राउंड चार डबल क्रोशिया के बना के रेडी कर लिए हैं और अब इसमें टोटल मेरे पास आठ राउंड पूरे हो चुके हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फिर से यहाँ पे हमें फंदों को बढ़ाना है और इस बार अब सेमी पैटर्न पे रिपीट करते हुए पांच पांच डबल क्रोशिया कर लेनी है तो मैं इसमें टोटल दस राउंड बनाने के बाद कलर को चेंज करूँगी सो so, पांच डबल क्रोशिया से दो राउंड बना लेंगे उसके बाद फिर कलर चेंज करेंगे एक दो तीन चेन और अब यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनेगी तो एक तीन चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई ये दूसरी बना ली तीन चार पांच पांच डबल क्रोशिया दो चेन और पांच फिर से डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच दो बार धागे को सॉरी एक बार धागे को ग्रैब करके यहाँ पे तीन बार में इसे ओवर करेंगे एक दो और तीन तो यहाँ मैंने पांच डबल क्रोशिया बनाई है तो अब दो राउंड आपको पांच डबल क्रोशिया से बना लेना है उसके बाद तीसरी तीसरा राउंड जब पांच डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो कलर को चेंज करेंगे तो मैं इसमें दो राउंड बना के रेडी कर लेती हूँ फिर आगे यहां मैंने सेम ही प्रोसेस को रिपीट किया है और पांच पांच डबल क्रोशिया से भी दो राउंड इसमें बना के रेडी कर लिए हैं और अब इसमें हमें क्या करना है धागे को चेंज करना है एक रो मैं इसमें येलो कलर व्हाइट कलर से बनाऊंगी सो पहले इसे ऐड कर लेंगे थ्रेड को और उसके बाद जो डबल क्रोशिया है उन सब में स्लिप स्टिच बनाते हुए बिल्कुल लास्ट वाली डबल क्रोशिया में आएंगे अब यहाँ पे दो चेन है तो इसमें दो चेन वाले स्पेस में डालेंगे और इस थ्रेड को यहाँ पे छोड़ देंगे अब यूज करना है आपको दूसरा थ्रेड जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं अगर आप एक कलर से ही बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है वो बना सकते हैं आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो ये लूप ओवर किया है ये व्हाइट कलर से ओवर किया है और अब ये जो रो बनेगी ये व्हाइट कलर से ही बनेगी तीन चेन बना ली सेम स्पेस पे डालेंगे और अगेन यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया से ही वर्क करेंगे एक तीन चार और पाँच पाँच डबल क्रोशिया दो चेन पाँच डबल क्रोशिया तो प्रोसेस सेम ही रहने वाला है सो तो मैं इसमें टोटल योग के लिए बारह या तेरह राउंड बनाऊंगी उसके बाद इसमें मेज़र करूंगी कि इसकी लंबाई कितनी हुई है आ, उसके बाद ही मैं इसमें आम होल को घटाऊंगी सो तो एक दो तीन चार और पाँच पाँच डबल क्रोशिया दो चेन और पाँच डबल क्रोशिया से इस राउंड में भी वर्क करना है ये तीसरा राउंड है पांच डबल क्रोशिया से तो सबके तीन तीन राउंड बने हैं पांच डबल क्रोशिया से भी तीन ही राउंड बनेंगे उसके बाद फिर ये वाला भी प्रोसेस सेम ही रहेगा ट्रिपल क्रोशिया वाला तो ये राउंड आपको व्हाइट कलर से ही बनाना है इसके बाद अगेन आपको येलो कलर को चेंज कर लेना है व्हाइट कलर से एक राउंड ही बनेगा उसके बाद आप जब इसके बाद वाला राउंड बनाएंगे वो बनेगा डबल क्रोशिया दो चेन और डबल क्रोशिया से जो आपको येलो कलर से बनाना है तो दो राउंड आपको छ डबल क्रोशिया दो चेन और डबल क्रोशिया से बना लेने हैं सो so, टोटल राउंड आपके हो जाएंगे यहाँ पे देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस राउंड हो चुके हैं ये है राउंड नंबर इलेवन जो मैं बना रही हूँ तो राउंड नंबर इलेवन आपको पांच डबल क्रोशिया दो चेन और पांच डबल क्रोशिया से बनाना है उसके बाद राउंड नंबर ट्वेल्व आपको छ डबल क्रोशिया दो चेन और डबल क्रोशिया से बनाना है जो कि बनेगा येलो कलर से और राउंड नंबर थर्टीन भी आपको बनाना है छह डबल क्रोशिया से तो मैं बारह के बाद पहले चेक करूंगी उसके बाद ही फिर राउंड नंबर थर्टीन बनाऊंगी तो मैंने राउंड नंबर ट्वेल्व तक बनाया है या थर्टीन तक ये मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना राउंड बनाना है तो ये राउंड पांच डबल क्रोशिया से उसके बाद वाले राउंड छह डबल क्रोशिया से बने इस तरह से हमने इसे बना के रेडी कर लिया है और जैसा मैंने बताया था आपको सेम वैसे ही बनाया है व्हाइट कलर के बाद ये जो लास्ट रो बनाई है ये मैंने छ डबल क्रोशिया दो चेन और छह डबल क्रोशिया के साथ बनाई है अब आपको इसमें चार मार्कर ले लेने हैं और यहाँ पे अब हम इसका आर्म होल अलग करेंगे आर्म होल अलग करने के लिए देखिए जहां पे भी आपका वर्क ऐड हुआ है यहाँ पे हमारा वर्क ऐड हुआ है तो अब यहीं से हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे वर्क ऐड हुआ है तो इसके बाद वाला जो पैटर्न है इसमें मार्कर को लगा देना है और यहाँ से ही काउंट करना है जहाँ मार्कर को लगाया है वहीं से काउंट करेंगे एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये है टेंथ नंबर का तो इस वाले पैटर्न को लेंगे और यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे दसवें वाले पैटर्न पे इसके बाद अब इस यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच जहाँ मार्कर लगा हुआ है उसके बाद का पांच पैटर्न लेना है एक दो तीन चार पाँच पांच आपका पैटर्न जो है वो निकल जाएगा आम होल में पांच पैटर्न के बाद यहाँ से फिर से काउंट करेंगे आ, एक नंबर से ठीक है पांच आपका एक दो तीन चार पाँच पांच निकाल देना है आपको आम होल के लिए पांच के बाद फिर से आपको काउंट करना है एक यहाँ पे मार्कर लगाएंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और दसवां नंबर का जो है वहां पे मार्कर को अगेन लगा देंगे तो चार मार्कर लगाने हैं आपको और अब इसके बाद देखिएगा इस साइड भी आपके पास पांच ही बचेंगी आम होल के लिए एक दो तीन चार पाँच अब इसे हमें मोड़ना है आम होल का साइड जो है उसे मोड़ेंगे ये वाला पहला मार्कर और दूसरा मार्कर ये बीच में आम होल है तो इसे हमें ऐसे टर्न करना है मार्कर को मार्कर से जोड़ देना है ये पहला मार्कर जहां लगाया था इस मार्कर को दूसरे वाले को निकालेंगे और इसे यहाँ पे फिट कर लेंगे तो ये हमारा एक साइड का आम होल बन के रेडी हो गया सेम ही प्रोसेस को दूसरे साइड भी करेंगे एक मार्कर को दूसरे मार्कर पे सेट करेंगे तो इसमें से एक आपको निकाल लेना है दो है तो एक निकाल लीजिए और एक को ही दोनों में सेट कर दीजिए तो ये आपका दूसरे साइड का हो गया तो देखिए इस तरह से आगे और पीछे का पूरा हमारा अलग हो चुका है और आम होल अलग हो चुका है अब इसे हमें ऐड करना है मार्कर से ऐड हो चुका है बट अभी यहाँ पे कैसे स्मिथ करेंगे देखिएगा, जहां से आपका धागा एडेड है ऐड किया हुआ है वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे और पहले ये जो डबल क्रोशिया है आम होल वाले साइड में नहीं बनाएंगे आगे और पीछे वाले साइड में बनाना है तो यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए दो चेन के स्पेस में आएंगे ये देखिए दो चेन के स्पेस में आ गए और इसी चेन स्पेस इस में एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे पहले डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पांच छह डबल क्रोशिया दो चेन और डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच और छ छः डबल क्रोशिया, दो चेन और छ डबल क्रोशिया ही बनानी है तो इसे पूरा बनाते हुए अभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ ये जो पी, आ, एक साइड का पार्ट है मार्कर को लगा रहने दीजिए और जैसे आपके डिजाइन बनती है सेम वैसे ही बनाते हुए इस साइड के मार्कर पे आ जाइए ये वाला मार्कर है इस साइड वाला बीच की जो दस आपके पैटर्न बने हुए हैं इन दसों पैटर्न में आपको सेम वर्क को करना है और सेम वर्क को करते हुए नेक् साइड वाले पैटर्न पे आ जाना है ओके okay, तो सब में ऐसे ही दस डबल छः डबल क्रौशा दो चेन और छः डबल क्रशिया बनेगी और ट्रिपल क्रॉशा वाला पार्ट वैसे ही बनेगा तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है पूरे में जितना भी दस पैटर्न है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस चार पाँच छ सात आठ नौ दस टोटल दस पैटर्न है सब में मैंने आ, सेम पैटर्न मीन्स छः डबल क्रॉशा दो चेन और छः डबल क्रौशा बना ली है अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा जब एक साइड का पूरा बन जाएगा तो आपको बीच में एक चेन बना लेनी है ये एक चेन बनानी है हमें इसलिए ताकि हम दो पैटर्न के बीच में ये जो ट्रिपल क्रोशिया वाला सेक्शन है इसे बना सकें एक चेन मैंने बना ली और अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ पे ऐड किया है उसके बाद इधर ऐड किया है तो इस वाले पे आएंगे और यहाँ पे बना लेना है हमें छः डबल क्रोशिया दो चेन और छः डबल क्रोशिया ये दूसरी साइड है एक आगे का साइड है और एक पीछे का साइड है तो एक साइड हमने बना लिया है अब दूसरे का साइड बनाना स्टार्ट करना है तो एक दो छह डबल क्रोशिया, दो चेन और छः डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा आम होल अलग हो गया यहाँ पे हमारा पैटर्न जुड़ चुका है अब इन दोनों के बीच में आपके पास कोई ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न नहीं है तो उसे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे मैंने बना लिया है और इसी में मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वाली रो से कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस तरह से यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है ये ट्रिपल क्रशा वाला सो so, यहाँ पे आगे वाला जो दस पैटर्न है इसे भी पूरा बना के रेडी करेंगे और बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे इस जगह पे जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है सो so, पूरे में मैंने सेम ही पैटर्न को रिपीट किया है राउंड ओवर हो चुका है और अब मैं देखेगा यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी इस जगह से ठीक है तो अब मार्कर को हटा देते हैं मार्कर का अब इसमें कोई काम नहीं है और जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है इस जगह से और यहाँ पे एंड हुआ है तो बीच में एक चेन बना लेंगे जैसे उस साइड बनाया है सेम वैसे ही और यहाँ पे एक इसे ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से एक चेन बना के अब धागे को कट कर लेंगे क्योंकि अब मैं यहाँ पे धागे को फिर से चेंज करने वाली हूँ तो अब ये देखिएगा ये हमारा पैटर्न यहाँ पे बीच में आम होल का बीच वाला हिस्सा है एक ये पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न तो अब मैं जो धागे को ऐड करूँगी ये बिल्कुल बीचो बीच यहाँ पे ऐड करूंगी जहां पे एक चेन बनाई है इसी एक चेन पे धागे को ऐड करूंगी और अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया वाला सेक्शन बनाना है तो स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया वाला सेक्शन बनाएंगे तो आपको दो रो का बनाना है जो फर्स्ट रो अभी आपने बनाई है उसकी ट्रिपल क्रोशिया भी इसमें नहीं बनी हुई है तो वो भी हमें बनानी है तो अब यहाँ पे बनाएंगे टोटल पांच चेन एक दो तीन चार पांच पांच चेन बना ली है मैंने और पांच चेन के बाद अब इस वाले स्पेस पे सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे एक दो तीन चार पांच छ डबल क्रोशिया दो चेन डबल क्रोशिया सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है जितनी भी यहाँ पे बनी हुई है ये पैटर्न्स दस पैटर्न है टोटल तो दस पैटर्न को रिपीट करते हुए इस साइड पे आ जाइए जो दूसरा आर्म होल है ओके okay, तो ये देखिएगा यहाँ मैंने पूरे में बना लिया है और अब दूसरे साइड के आर्म होल पे आ गई हूँ अब इसमें आपको ये जो ट्रिपल क्रॉशा वाला पैटर्न है वो फर्स्ट टाइम सिर्फ पहली बार में ही ऐसा करना है उसके बाद फिर इस तरह से नहीं बनाना है इसमें एक दो तीन चार चार बार लूप लेंगे और जहाँ एक चेन बनाई है उसी एक चेन वाले स्पेस में डालना है और इसे एक दो तीन चार पाँच उधर पांच चेन बनाई थी और इधर हमने इसे पांच बार में आ, ओवर कर लिया है और उसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा एक दो तीन तो इस तरह से फिर से छह डबल क्रोशिया दो चेन और छह डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पर आ जाएंगे इस पेस पे बाकी का सारा जो वर्क होगा वो सेम इसी पैटर्न पे ही होगा तो पूरा बनाते हुए इस वाले पॉइंट पे आएंगे बिल्कुल लास्ट पैटर्न पे तो यहाँ मैंने इसे पूरा बना के पूरे राउंड में बना के रेडी कर लिया है और अब आपको क्या करना है जो यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाली आपने चेन बनाई है उस चेन में अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है ओके okay, तो ये आपकी देखिए ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट बन के रेडी हो गया एक दो दो चेन बनाएंगे और ये दो चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे इसके बाद लूप लेंगे और जैसे ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं सेम वैसे ही इसमें डालेंगे एक दो और तीन तीन बार में सेम वैसे ही ओवर करेंगे जैसे अभी तक ओवर करते आ रहे हैं सो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन सेम वैसे ही बन के रेडी हो गई है अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है सेम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करके इसे अपनी नीट के अकॉर्डिंग लंबा बनाना है तो यहाँ देखिएगा ये अब पूरा बन रहा है सिर्फ अब आपको इसी वाइट कलर से इसे कंटिन्यू करके अपनी नीट के अकॉर्डिंग लंबा बना लेना है आ, इसे मैंने कितना लंबा बनाया है और नीचे के बॉर्डर में किस तरह से इसमें मैंने आ, कलर को चेंज किया है ये सारी चीजें आपको इसके पार्ट टू में मिल जाएंगी जल्दी इसका पार्ट पार्टू अपलोड हो जाएगा सो पार्ट टू को देखना न भूलें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसका पार्ट टू आपसे कहीं मिस ना हो जाए सो मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट टू में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे